हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर पीयूष जैन हैं। इनका जो बैक में नर्व रूट कंप्रेशन है L5S1 पे, और उसकी वजह से इनका पॉस्चर काफी खराब हुआ था जब हमारे पास ये आए थे, और इनके लेग में भी पेन जा रहा था। तो इनका आज हम देखेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हुए हैं। अगर इनका आपने कंपेयर करना है तो इनका हमने एक वीडियो पहले बना के अपलोड किया हुआ था, और आज हम इनका सेकेंड टाइम ये जो फाइनल वीडियो है वो हम बना रहे हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 90% रिकवर हो चुके हैं। अब इनका जो 10% ग्रेजुअल जो इम्प्रूवमेंट है विद एक्सरसाइज एंड विद टाइम जो होना है, वो मैंने इनको भी बताया कि एक्सरसाइज का इम्प्रूवमेंट है। लेकिन उस वक्त जब हमने इनको ज्वाइन किया था, उस वक्त इनको पेन काफ़ी ज़्यादा था और बिल्कुल पॉस्चर इनका खराब हुआ हुआ था, सीधा नहीं चल पा रहे थे, लेग में पेन बहुत ज़्यादा। तो जब शुरू में मेरे पास आए थे उस वक्त क्या कंडीशन थी? सर कंडीशन ये थी कि मेरे को 5 मिनट में स्टिल खड़ा होना पॉसिबल नहीं था। अच्छा, 5 मिनट भी खड़ा नहीं हो पाते थे। जब मैं सर आया था आपके पास तो ऐसे था, इस कंडीशन में था, टेढ़ा हुआ गया था तो पूरे स्पाइन, ये इधर से ये बाहर हो गया था, ये चीज अंदर ऐसे हो गई थी सर। तो मैं सर ऐसा स्टिल खड़ा होता था तो यूं हो जाती थी कभी। अच्छा, तो ये कंडीशन जो जैसा ये बता रहे हैं कि इनका पॉस्चर काफी खराब हुआ हुआ था और 5 मिनट भी खड़े नहीं हो पाते थे, 5 मिनट चल नहीं पाते थे, उस कंडीशन से लेके और अब जो इनकी कंडीशन है उसमें काफी डिफरेंस है। यू कैन सी इज स्टैंडिंग स्ट्रेट और 1 घंटा वॉक के लिए भी जा रहे हैं। 1 घंटा वॉक कर रहे हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों टाइम 1-1 घंटा वॉक कर रहे हैं, जबकि इनको पहले 5 मिनट चलने में भी प्रॉब्लम होती थी, चल नहीं पाते थे। तो ये इनका इम्प्रूवमेंट है, ये एक हमारा सक्सेस स्टोरी है जो हमने इनका ट्रीट किया है। उसके बाद आज इनकी जो कंडीशन है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, इनके लिए भी और हमारे लिए भी सेटिस्फैक्ट्री है। तो इनका जो रिजल्ट है कायरोप्रैक्टिक थ्रू के लिए, कायरोप्रैक्टिक सेशंस के थ्रू नर्व कंप्रेशन को कितना अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये दिखाने के लिए हमने इनको बुलाया। दोबारा सेकेंड टाइम हम आपको वीडियो अपलोड करके दिखा रहे हैं। तो एक बार दोबारा एडजस्टमेंट करके इनका फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे आज। आइए, थोड़ा कपिंग थेरेपी इनको दिया है ताकि इनके मसल्स रिलैक्स हो जाएं। उसके मार्क्स आप इनकी बैक पे देख सकते हैं। कपिंग थेरेपी बहुत अच्छा इफेक्ट करती है जब बैक में थोड़ी टाइटनेस हो, और अगर स्टिफनेस है तो उसमें कपिंग थेरेपी का रोल बहुत अच्छा होता है। एक बार इनका लेग लेंथ चेक करेंगे। लेट मी जस्ट सी हिज लेग लेंथ। रिलैक्स रिलैक्स। अभी आप देखेंगे तो इनका जो लेग लेंथ है वो काफ़ी बेटर है, ऑलमोस्ट नॉर्मल है। थोड़ा सा लेफ्ट लेग अभी भी मिस कर रहा है, वो भी एक सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। सैक्रम काफी अलाइंड है इनका, पहले सैक्रम काफी इनका मिस अलाइंड था, इलियम पोस्टीरियर, इलियम इंटीरियर था, अभी सैक्रम अलाइंड है। और यहाँ दबाने से कोई दर्द है? नहीं सर। तो इनका जो डिस्क एरिया है L5S1 का, वहाँ पे भी टेंडरनेस खत्म हो गया है, अभी इनको प्रेस करने में भी यहाँ कोई पेन नहीं है। शोल्डर्स को ढीला छोड़ो, सांस लेके सांस बाहर निकालो, सांस लेके सांस छोड़ो, कंधे को ढीला छोड़ो, मेरी तरफ टर्न करो, इधर जस्ट रिलैक्स, ब्रीद इन ब्रीद आउट, क्लोज टर्न द साइड। यस, ब्रीद इन ब्रीद आउट, दिस वॉज द एडजस्टमेंट फॉर L5S1 एंड फॉर द पॉस्चर ऑफ हिज स्पाइन। सो दिस इज आवर सक्सेस स्टोरी, मिस्टर पीयूष जैन, हू रिकवर्ड कंप्लीटली विद अ डिस्क बल्ज एंड नॉट रोटेटिंग पेन।
he was in too much pain when he came to us. So please, if you have any similar kind of problem, if you have any disc problem, please mention in our comments box. We'll reply to you. And please subscribe our channel and press the bell button so that you can get the new videos every time. Thank you very much for your appreciation, for your cooperation and watching our videos. Thank you, viewers.